नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो बहुत एक बुनियादी टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो हमें समझना चाहिए कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या चीज़। देखिए, क्लासिकली वी कैन फाइंड द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, पोजीशन एंड ऑल अदर पैरामीटर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल व्हेन वी हैव अ डिफाइनेट कोऑर्डिनेट, और इट मींस दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इज डिटर्मिनिस्टिक। ये तो बात क्लियर है, क्लासिकल फिजिक्स में हम अगर हमारे पास पोजीशन मौजूद है, डिफाइनेट पोजीशन मौजूद है, तो हम बहुत सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हम इससे नतीजा अखज कर सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स एज डिटर्मिनिस्टिक, हम डिटर्मिन कर सकते। इसके बरक्स क्वांटम पार्टिकल आप लोकलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन है और आप कह दे कि ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर ही रखता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। जो टाइनी पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल्स है या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, वो लोकलाइज नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले, उसका एक वेव फंक्शन होगा, और उस वेव फंक्शन की वजह से आप इसको लोकलाइज्ड नहीं कर सकते। एक खास जगह होगा, उसमें आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इसकी प्रॉबिबिलिटी है। इसलिए तो कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स एज प्रॉबिबिलिस्टिक, इसमें प्रॉबिबिलिटी की हम बात करते हैं, और इसमें पोजीशन और मोमेंटम अगर दो ऑपरेटर, दो ऑब्जर्वेबल्स हमारे पास मौजूद है, तो पोजीशन और मोमेंटम को क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स के लिए हम सिमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते, जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कर सकते हैं। एक क्लासिकल पार्टिकल है, इसके पोजीशन और मोमेंटम हम सिमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स के लिए पोजीशन और मोमेंटम, इसी तरीके से एनर्जी और टाइम भी है, वो भी हम सिमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते क्वांटम पार्टिकल्स के लिए। तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें अनसर्टेनिटी है। अगर एक चीज अगर आप फाइंड करते हैं तो दूसरा इनडिफाइनेट हो जाता है। अगर आप पोजीशन को फाइंड कर ले, मोमेंटम आप उस टाइम पर नहीं मैया, तो इसी वजह से इसमें अनसर्टेनिटी है, और इसको फिर कहते हैं डेल्टा पी, डेल्टा एक्स, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट, एंड एच कट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये है एक्सप्रेशन, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट। एच कट ये एक एच डिवाइडेड 2 पाई पे अगर एच प्लैंक कांस्टेंट को डिवाइड कर ले तो एच कट ही आ जाता है। अब यहाँ पे एक बात को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि फर्ज कर ले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, एक बेस बॉल है, और इधर एक इधर पड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन ये है कि इसकी वेलोसिटी है या नहीं, मतलब इसकी कोई वाइब्रेशन या इस तरह कोई वेलोसिटी हो सकती है, हमने इसको देखना है। क्लासिकली देखना है, फिर क्वांटम मैकेनिकली देखना है। क्लासिकली हम कैसे देखेंगे कि ये वाला फार्मूला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और ये भी हमें पता है कि इसका जो डेल्टा एक्स है, जो पोजीशन है, वो 0.3 मीटर ही कंसिडर कर ले के 0.3 मीटर ही है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डेल्टा वी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए।
क्लासिकली मैं कह रहा हूं पहले, तो क्लासिकली अगर हम बात कर ले तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट। क्लासिकली एच इज इक्वल टू वन, दिस इज क्लासिकल। देखिए ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, ये बहुत स्मॉल वैल्यू स्मॉल एनर्जी पे काम करता है। तो यहां पे जो एच कट है, एच कट अगर हम बहुत लार्ज ले लें तो फिर आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं रहता। मतलब आप इसको उस जो अपने टारगेट है उस तक आप नहीं पहुंच सकते। तो यहां से एच कट जो है मैंने वन कंसिडर किया, वन कंसिडर किया, इसका मतलब यह है कि आप क्लासिकली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी से वक्त देख लेते हैं कि इसका इसकी जो वेलोसिटी है क्या होगी। देखें इसका मैस भी कंसिडर कर ले कि मैस जो है उसका मैंने क्या लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इसका मैस 1 kg कंसिडर कर ले, इसका मैस जो है 1 kg। तो देखे ये वाला फार्मूला यूज करके हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है। देखे डेल्टा पी एच कट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इधर आ जाएगा। डेल्टा पी जो मोमेंटम है एम डेल्टा वी के बराबर है, एच कट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और यहाँ से अगर मैं डेल्टा वी निकाल लूँ तो एच कट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड एम। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर लूँ तो एच कट की वैल्यू 1 है, डेल्टा एक्स जो है वो 0.3 है और ये 1 है। तो मतलब ये है कि डेल्टा एक्स जो है डेल्टा वी जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी ये है 10/3। डेल्टा वी अप्रॉक्सीमेटली 3 point something 3.3 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप किसी लेमैन को ये कह दे जो फिजिक्स बिल्कुल पढ़ाई नहीं है और आप इनको कह दे कि मैंने ये कैलकुलेट कर दिया क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ करके और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बाल है इसकी वेलोसिटी 3.3 मीटर पर सेकंड है, जो अगर फिजिक्स पढ़ता भी है तो उनको भी नहीं समझ आएगा कि 3.3 मीटर पर सेकंड ये कैसे है। मतलब ये हो नहीं सकता, ये रेस्ट पे है। इसकी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब देखते हैं क्वांटम मैकेनिकली, क्वांटम मैकेनिकली एच कट की वैल्यू होना चाहिए 6.6×10⁻³⁴ जूल सेकंड है और डेल्टा एक्स डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट, फिर डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.6×10⁻¹⁴ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा पी जो है ये एम डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी विच इज इक्वल टू 6.6×10⁻³⁴ एम डेल्टा एक्स। वैल्यू अगर हम पुट कर ले तो ये है 6.6×10⁻³⁴ डिवाइडेड बाय 0.1×0.3। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करके देख ले तो इसकी वेलोसिटी जो है वेलोसिटी बन जाएगी, जो मैंने कैलकुलेट करके देखा है वो है 2.2×10⁻³⁴ मीटर पर सेकंड। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ये जो बाल है इसकी वेलोसिटी मौजूद है, इसकी वाइब्रेशन है, लेकिन क्लासिकली आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये इतनी कम है 10⁻³⁴ इतनी कम है कि इसको हम मैयर ही नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि वेलोसिटी मौजूद है।
तो यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स जो है, जिसकी जितनी भी कैलकुलेशन है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, वो गलत नहीं होते, वो एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट ही होते हैं। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इसकी वेलासिटी मौजूद है, लेकिन वो वेलासिटी जो है वो इतनी कम है कि इसको हम मायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।